कौन से बंधवा, कौन से बंधवा, ऐसा कुछ होता है राइट लेफ्ट कुछ? नहा धो के राखी बंधवा के फिर मैं मम्मी चीनू, चीनू भी जाएगी शायद हमारे साथ, हम लोग जाएंगे मामा के घर पे। कोई भी राखी बांध दे, कोई नहीं, नीचे पड़ गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है रक्षाबंधन। ये देखो मेरे से मिलने के लिए आए हैं दोनों, दोनों नहीं तीनों, एक तो आया है इंस्टा और ये मिक्की माउस। कल के ब्लॉग की बात सीरियस लेगा कि राखी बांधूंगा मैं, राखी बांधने आया है मेरे को, लैपटॉप लेने आया है, मेरा लैपटॉप वहीं रह गया था। और ये दोनों निकल जाएंगे फिर अभी थोड़ी देर में इंस्टा को साथ लेके, इंस्टा को सिपू के घर छोड़ेगा या अपने घर ले जाएगा, इंस्टा फिर सिपू के घर चला जाएगा। आज राज रक्षाबंधन है और स्वाति अभी तक सो रही है और चीनू को भी देख लो बिस्तर पे ही है, अभी नींद नींद में ही है। इंस्टा ने आके इसको उठाया वरना तो घोड़े बेच रही थी। बढ़िया, इंस्टा खा रहा है बनाना, रात भर सोया फिर यहाँ आके भी सोना, बदनाम है सोने के लिए फिर भी बदनामी नहीं छोड़ेगा है। कर रखा है उन्हें। सोना सबसे बढ़िया होता है, बदनामी क्या है इसमें? सोना सबसे बढ़िया होता है, सारी चीज मेरी साइड हूँ, सारी चीज बढ़िया आती है लेकिन लिमिट से। अभी इंस्टा के भी बांध देना राखी, इंस्टा भी खड़ा, मेरा भी नंबर आएगा। अभी तो मैं नहा भी नहीं, इतनी जल्दी की राखी बांधने आ गए, मेरे को भी जाना है ना, आफ्टर मैरिज साइड इफेक्ट। इंस्टू के भी बांधोगे क्या दीदी? कौन से बंधवा, कौन से बंधवा, ऐसा कुछ होता है राइट लेफ्ट कुछ? इंस्टा से रहेगा दीदी, घेवर लाई है भाई घेवर। अभी स्वाति तो सो गई न्यूट्री, तो तू नाले उठ के पैसे दे दो दीदी तुम्हें। लो दीदी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू रोते नहीं, देख तेरे को इंस्टा पे बिठाता हूँ, देख कुछ भी नहीं कहता वो, रोते नहीं है तू तो बहुत, कुछ कह रहा है वो, तेरी मम्मी भी जो खिला रही है कुछ कह रहा है वो खाने के, उसमें देख उसको ऐसे घर पे आते इंस्टा तो है। इंस्टा देखते हुए अभी तो थोड़ा सा और बढ़ाएगा, एक साल का हो गया इंस्टा, एक साल का हो गया। और मेरे जन्मदिन के दिन इसका जन्मदिन है, बड़ी जल्दी एक साल का। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में बने राजमा चावल बिना और मिक्की माउस ने खाना खा लिया और ये लोग अपने घर निकल रहे हैं। क्या कितना बड़ा टीका, सही तो है बड़ा टीका है तो क्या हो गया, निकल रहा है फिर बस है, इसको इंस्टा को सिब्बू के घर छोड़ दियो। चलो भाई बाय बाय विनय, बाय बाय इंस्टा, इंस्टा बाय कर दे, कैसे कर देगा, हाथ उठा के ऐसे हाथ लगाएगा बाय इंस्टा। अच्छा पिल्ले दिख गए होंगे छोटे कुत्ते के, मतलब कुत्ते के छोटे पिल्ले दिख गए होंगे। चलो भाई बाकी तो यहाँ भी काम वाम लगा हुआ है, देखो तो ऐसे ही लग रहा है अभी काम वाम हो कैसे हो जाएगा, जैसे पहले यहाँ भी अजीब सा लगता था ना थोड़ा क्योंकि काम लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी प्लेन हो गया सही बढ़िया। ये दीवार भी देखो कितनी सही हो गई अभी। और ये चीनू की नई स्कूटी जो कल चीनू को मिली थी, चीनू को नहीं एहसान फरामोश चीनू को। अरे भैया एहसान फरामोश नहीं मैं, चल मेरे साथ इसकी पहली राइड पे चल। पहली राइड तो तू ले आई थी कल मिठाई लेने गई थी जब, तो भाई विनय अपना बैग भूल गया था तो उसको उसका बैग लौटा के आ रहा हूँ। ले भाई तेरा बैग, ये कह रहा था इंस्टा बाय, क्या कह रहा था भाई आते पहले व्लॉग बनाएंगे। इंस्टा बाय, परेशान तू कर रहा है ना इसको परेशान, मैं बुला रहा है, तू कर रहा है, तू बुलाएगा तो होएगा परेशान। चल मैं जा रहा हूँ फिर इंस्टा बाय, चल बाय भाई। ऐसी एक मूर्ति ना हर गाड़ी में लगा दे। ये चीनू ने मेरी टी शर्ट चटका रखी है, देखो मेरी टी शर्ट पहन के बैठी हुई है। और ये यशु और पीयू यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, टिकट विकेट खरीदते हैं वाटर पार्क वाली, पसंद है क्या वाटर पार्क वाली वीडियो? तो मैं कभी तो मैंने अपना ये बैंड क्या मैं कभी गई नहीं हूँ वाटर पार्क, नहीं गई, छोटे बच्चे फिर वहाँ पे कमी जाते हैं ना क्योंकि पानी वानी में डूबने का डर रहता है वहाँ पे छोटे बच्चों का। देख लो मैं भी नहीं गई, तू भी नहीं गई, रहने दे तू जा रही है तू। ये देखो भाई मेरी वो देख रहे हैं, हम वहाँ गए थे वाटर पार्क, मैंने बताया था ना अगर सिब्बू साइंटिस्ट होती ना, हम भी गए थे वाटर पार्क होते हां कम से कम मुझे भी आता है वाटर पार्क, कह रही मेरे को तैरना आता है, नहीं पियू कह रही है मुझे तैरना आता है, तुझे नहीं आता पियू? मुझे आता है, 3 साल के इसको कहां तैरना आता है, तुझे भी नहीं आता, मेरे को आता है। भाई अभी चीनू तो नहा लिया है, स्वाति भी नहा लिया है, मेरा नहाना बाकी है, नहा के राखी बंधवाऊंगा। ये देखो यार ये मेरे यहाँ पे कितना मोटा पिंपल हो गया यार, शिट इसमें दर्द भी हो रहा है बहुत ज्यादा। आज मौसम बाकी बहुत अच्छा है, सुबह तो खैर धूप थी बट अभी बढ़िया हो गया मौसम।
नहा धो के राखी बंधवा के फिर मैं मम्मी चीनू भी जाएगी शायद हमारे साथ, हम लोग जाएंगे मामा के घर पे। तो अभी चीनू करने जा रही है अपनी स्कूटी की आरती, क्योंकि रात को पूजा नहीं करती चीनू, नहीं एहसान फरामोश चीनू करेगी स्कूटी की पूजा। अभी दिया लगा रही है। ये फूल कहाँ से तोड़ा? पेड़ पे से। हमारे गुलाब का भी है, कहाँ है? अच्छा ये, पर ये तो सूखा पड़ा है। इस साइड एक और है। अच्छा ये बीच में रहा, पर सूख गया ना नीचे, कली कली वो रही एक सफेद, हाँ वो रहा है गुलाब, सफेद गुलाब है ये, पिंक गुलाब है, पिंक भी और वैसा भी है ये, अभी खिला नहीं। ले आ कानू को, ले आ आराम से, ले गिरा मत। अरे ये तो ये सूखे कपड़े है, तूने ले लिए ये? हाँ, ये मेरे छोटे हो गए। तेरे छोटे नहीं हो गए, तू बड्डी होगी, कपड़े तो उतने ही हैं, कपड़े उतने ही हैं, तू बड्डी होगी। एहसान फरामोश चीनू अभी करेगी पूजा स्कूटी की। कानू को स्कूटी पे बिठा दे, ला ला मैं बिठा देता हूँ, तू गिरा मत दियो कानू को, कानू को यहाँ बिठा देता हूँ। ऐसे आगे आगे ऐसे करना चाहिए, स्कूटी को हिलाना मत वरना कानू गिर जाएंगे। इस पे साथिया बना दूँ? बना दे स्वास्तिक बोलते हैं उसको, स्वास्तिक लोकल लैंग्वेज में बोल देते साथिया उसको, वैसे स्वास्तिक होता है वो। एहसान फरामोश चीनू बनाती हुई स्वास्तिक। भैया मेरे को एडीएम करेंगे भैया, मत बोल प्लीज। मेरी राखी अभी बंधेगी क्या? हाँ, पहले स्कूटी को बंधेगी। वाह, पहले कानू को बांधे। वाह भाई देख लो, कह रही पहले स्कूटी के बंधेगी, पहले कानू के बांधे, मेरे बाद में बांधे कोई नहीं, पहले कानू के बन जाएगी, मेरी स्कूटी लड्डू भी खाएगी। फुटरेस्ट कितना सही है, थोड़ा सा क्या फुटरेस्ट कितना चौड़ा है इसका, इसमें जो आगे लगा था, इसमें आगे दे रखा है फ्यूल टैंक, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं, एक दो कमेंट पड़े थे मैंने कि ठुकगी तो आग लग जाएगी, इतनी भयंकर वाली ठुकी कितनी भयंकर रख के लानी पड़ी। भयंकर नहीं थी वो, मेरी कह रही है मैंने भयंकर ठोकी थी, वो भयंकर नहीं थी, जब वो थोड़ी मेरी ठुकी थी तो टायर जाम हो गया था, बस इसलिए रिक्शा में रख के लानी पड़ी थी। भयंकर बिल्कुल ठुक के अंदर घुस गया था टायर उसका, रहन दे बस, इसलिए वो जाम हो गया था। रहन दे बस, अपने नंबर मत बना, रहन दे, मेरे को स्कूटी की पूजा करने दो अब। कर ले चल फिर कर। तो अभी पहले काना को राखी बांध दी हमने, इसके बाद मेरा नंबर है, पहले दीदी कानू को बांध देगी फिर तेरे। चल पहले स्वाति बांध देगी कानू को फिर मेरे बांध देना। रील बना दे स्कूटी को राखी बांधते प्लीज, रील क्या बना दे, राखी बांध दे, चल बना देना, उसका भी एहसान फरामोश करेगी फिर तू। नहीं स्वाति बना देगी, एक बार स्वाति बना देगी। मेरी कोई बात नहीं, क्या बात हुई थी? मैं नहीं रो रही। अभी रोने लग गई थी, कैमरा ऑन करती, मैं नहीं रो रही। रोतड़ी आदत हो रही है तेरे शरीर के सिस्टम में, रोना बैठ चुका है। कोई भी राखी बांध दे, कोई नहीं, एक ही बात है। बैठ तो जा भाई, ऐसे परेशान सा हो रहा है ना। ठीक हूँ, देखो कितना खुशी का त्योहार है। वाह वाह, पिछले बार भी ऐसी थी? नहीं वो अलग थी। नहीं चीनू ने बांधी थी जो एक, वो ऐसी थी। और अब चीनू की बारी आ गई, चीनू नहीं और एहसान फरामोश चीनू। अच्छा खुद से याद दिलवा रही है, देख खुद अपना नाम बता रही है। बस तो गाइज राखी बंध गई है, चीनू ने भी बांध दी है मेरे को और स्वाति ने भी बांध दी, और अभी हम लोग निकल रहे हैं मामा के घर पे। अभी मम्मी बांध देगी अपने भाई, मेरे को क्या मिलेगा है? मुझे क्या मिलेगा? तुझे मिल तो गई है टॉर्क, वो एक साल हो गया उसको, तुझे मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे क्या मिलेगा? मैं बताती हूँ क्या, तेरे को ये रसीद दे रही हूँ, ये तो पहले से ही है ना। हाँ तो बस ये मिल गया ना, मैं भी हूँ। तू भी है, स्कूटी मिल गई। चलो तेरी तो स्कूटी होगी, तेरी तो स्कूटी होगी। चीनू धक्का मार देगी स्वाति के, चीनू जाके पड़ेगी बीच में, गिर जाएगी देख पड़ेगी। खड़ी हो तो चलो भाई चलते हैं अभी मामा के घर जा रहे हैं। कौन जा रहा है मामा के घर? मैं, तू उठा सकती हूँ, गिर देगी।
उठा दिया ना गाइस, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, आई एम वेरी स्ट्रांग, तो मैं भैया को भी उठा सकती हूँ। नीचे कर पड़ गई, ये रही। कौन कौन ढंग से उठाया, मैं उठाऊं? पकड़ ले, आजा छाती बैलेंस बना के उठा। चल अब उतार। मेरे को कौन उठाएगा? तेरे को कोई नहीं उठाएगा। भैया भैया उठाएगा, भैया उठाएगा। तू नहीं उठ सकती किसी से, मारी पाएगी तो। और अपने चीनू को भारी है भाई तू। चीनू तो बहुत भारी है, चीनू मुझसे भी भारी है। तो भाई इस बार रक्षाबंधन पे चीनू को तो गिफ्ट में मिली है जुपिटर की स्कूटी। तेरे को नेक्स्ट रक्षाबंधन पे देखेंगे अब क्या लेना चाहिए। तेरे पास देख स्कूटी भी है, तेरे पास फोन भी है, तेरे पास लैपटॉप भी है, कई गिफ्ट तेरे को बिना किसी ओकेशन के। हाँ, आई वॉच भी है तेरे पास, कई गिफ्ट तेरे को बिना किसी ओकेशन के मिले हुए। एक बात बताइए, मेरे को आज तक का पहला गिफ्ट मिला है ना? क्यों, तेरे पास भी तो आईफोन है। ये भी 11th में हुई है, मुझे फोन पता कब मिला था, कॉलेज पे। हाँ तो मेरे को भी 11 मिला नहीं था, खुद कमा के लिया था मैंने, ट्यूशन पढ़ाता था, उससे जो पैसे आए थे उससे मैंने फोन लिया था, मिला नहीं था, समझी? हाँ, इनको क्या पता नहीं, इनको क्या पता नहीं, सब पता है, बस इग्नोर करने वाली बात होती है। पता भी रखी है, मैं ये कह रही हूँ कि उसने तो फिर भी 12th करते ही ट्यूशन पढ़ाया था, और जब उसको 10,000 मिले थे ना, पूरी स्टोरी तुझे भी ध्यान नहीं है। पता है मेरे को, बता। फोन लिया था, पापा को भी दिया था फोन मैंने, फिर उसमें मिले थे तेरे को 10,000। अच्छा, उन्हें आगे बोला कि फोन चाहिए मुझे, मैं बोली ले आ, तू गया लेने। 10 का कोई फोन नहीं था, 15 का था। नहीं, पहला फोन मैंने लिया था MI का, 7,000 का आया था वो सबसे पहले वाला। आपको भी याद नहीं है पूरी स्टोरी, वो दूसरा फोन होगा फिर जो 15,000 कुछ का था। फिर तूने मेरे को ये कही थी कि देखो 10,000 में क्या होता है, एक फोन भी नहीं आता तो, जब ये मेरे को शायद वो बात याद है तो वो दूसरा फोन जब लेने गया हूँ जब की बात होगी। दूसरा लिया था वो था 13,000 का जो मैंने। फिर तूने मेरे को ये कही थी कि थोड़े पैसे आप दे दो, 10,000 में तो फोन नहीं आएगा, तब मेरे को वो वाली बात ध्यान है। उस पे तो ने ये बोला था कि भाई 10,000 में तो कुछ नहीं होता, एक फोन ही नहीं आया तो घर का खर्चा कैसे होता होगा, कैसे करते हो आप पापा की तनख्वाह में ये सारा। मैं कहा देख ले कैसे किया होगा। हाँ तो देख लो। तो फिर इसने ये कही थी कि भाई मैं तो बढ़िया कमाऊंगा, 10-15 हजार में तो कुछ भी नहीं होता, तब इसको लगन लगी थी काम करने की। तेरे कब लगेगी? देख कैसे पुतला बन के खड़ी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे को मिले हुए हैं गिफ्ट्स, कहने का मतलब ये है जब अब अगले साल देखेंगे बर्थडे पे या फिर रक्षाबंधन पे। हाँ ले, ये भी गिफ्ट में मिली थी गोल्ड की चेन कुछ। ओ, तेरे पास ये भी तो है गोल्ड की रिंग। जब अनोकेशनली इतने गिफ्ट मिले हुए हैं तो कोई नहीं, अभी कुछ है भी नहीं ऐसा कि दे दूँ तेरे पास नहीं है। मेरे को बताया तो था मुझे क्या चाहिए। फोन तेरा सही है, वो अब तो फिजूल में मांग रही है कि मेरे को चाहिए, मेरा स्पेस नहीं रहती, तुझे भी पता है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे। नहीं तेरे को फोन चाहिए ना, मेरे पास एक उसका भी बेस्ट ऑप्शन बता तो दिया। अभी जब मेरा सितंबर में बर्थडे आएगा तो मैं नया फोन लूंगा 14 Pro Max, तो मेरा ये जो है ये तू ले लियो। बस इसकी बैटरी करवा दियो सही, मैं लूंगी, मैं ले लूंगी। और मेरे जन्मदिन में मेरे को क्या गिफ्ट दे गई, मतलब बस मांगना मांगना होता है। रक्षाबंधन आ गया, मैंने ना बहुत देख मच्छर है, मच्छर दूंगी ना दूंगी, बहुत सारे लोगों में बोल रखा है कि मैं बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी और मैं दूंगी। रक्षाबंधन आ गया भैया गिफ्ट दे दे, मेरा जन्मदिन आ गया भैया गिफ्ट दे दे, तेरे लिए भी तैयारी कर रखी इन्होंने। चलो भाई देखते हैं कि मेरे जन्मदिन पे ये लोग मेरे को क्या गिफ्ट देंगे, वो तो जब मेरा बर्थडे आएगा जब ही पता। सरप्राइज विला बुक कर रखा है। अच्छा, देखते हैं भाई मेरे जन्मदिन पे क्या गिफ्ट होगा। फुल पार्टी लेट्स सी। बाकी अभी निकल रहे हैं मामा के घर, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा के घर पे। पीयू आई है अपने मामा के घर पे, मैं पीयू का मामा। कौन है पीयू का मामा? मेरे मामा के घर तो जाएगी, तेरा मामा कौन है? रचित मामा। गाड़ी की चाबी तो ले आ, गाड़ी की चाबी लाना भूल गया, लाइयो। और भाई यशु और पीयू हमारे साथ जाएंगी दोनों आज मेरे मामा के घर पे हैं। आप गुड़गांव तो नहीं जा रहे कभी? गुड़गांव नहीं जा रहा, मामा के घर जा रहा हूँ। और आते ही देखो इन गाड़ी पे ड्राइंग बना दी। तो भाई हम लोग रेडी है निकलने के लिए, हमें दो जगह जाना है, दो मामा के राखी बांधेगी मम्मी, दो ही जगह जाना है ना। मुझे भी तो चलो, राखी। हाँ ये चीनू भी बांधेगी मामा के जितने लड़के हैं उनके राखी। तो चलो भाई चलते हैं, और स्वाति घर पे है आज, ये घर पे घर की बेबी सिटिंग करेगी। काना की बेबी सिटिंग करेगी? काना इसकी बेबी सिटिंग करते हैं। ये काना की बेबी सिटिंग क्या करेगी? फिर भी वो तो पूरी संसार की बेबी सिटिंग करने वाले की, ये क्या बेबी सिटिंग करेगी?
हल्के हैं मेरे से गलती तो, तो सब बेबी सिटिंग वही करते हैं। चल ठीक है भाई। भाई हम लोग निकल गए हैं और बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और पहले याद है आप डीटीसी में जाते थे रक्षाबंधन के दिन, डीटीसी फ्री होती थी लेडीज के लिए। पता क्या था, वो बिठाते भी नहीं, इतनी भीड़ होती, भाग भाग के उनको रुकवाते, भैया रोक लो बिठा लो, वैसे ही फ्री करते हैं, कुछ नहीं है, बिठाते नहीं ज्यादा को। अच्छा हाँ वही है, वो बोल देते हैं बस की फ्री है, वो वही करते होंगे की लोग फ्री के नाम पे खुश हो जाते हैं, वो ड्राइवर वगैरह बिठाते नहीं होंगे, गाड़ी नहीं बिठाते, वो जब भगा लेंगे तेज स्पीड में। मेरे को याद है पहले हम जाते थे रक्षाबंधन में मामा के घर, मैं जब छोटा था हम डीटीसी में जाते थे, पहले एक वो ब्लू लाइन चलती थी प्राइवेट बस, उसके लगती थी टिकट, तो हम वेट करते थे कब डीटीसी आएगी, डीटीसी आएगी, क्योंकि डीटीसी सरकारी है, सरकारी में रक्षाबंधन के दिन टिकट फ्री कर देते थे कि टिकट नहीं लगेगी, तो हम ब्लू लाइन को छोड़ देते थे कि ब्लू लाइन में नहीं बैठेंगे, हम डीटीसी का वेट कर रहे हैं, डीटीसी आएगी जब ही बैठेंगे डीटीसी में, और फिर यहाँ से बदलो बस, फिर दो दो बस बदलो, फिर जाके कई मामा के घर पहुंचते थे, और फिर वहाँ मामा के वहाँ पे जो उनका वो है उनके गाँव का मोड, वहां से कभी उनके मामा के बच्चों को बुलाओ कि भाई लेने आ जाओ, या फिर कोई लिफ्ट विफ्ट मांगो किसी से, ऐसे सीन था, क्योंकि वहां से ना व्हीकल नहीं था अंदर गांव में जाने का। हाँ। अभी भी ऐसी है, हो गया कुछ नहीं, अब तो ठीक है, अब हो गए व्हीकल, अब तो ठीक है, अब तो गाड़ियां चलती है वहाँ, वो बन गया पूरा। हाँ अब तो वहाँ बस वो बन गया बस डिपो। मामा जी नमस्ते। मामा जी हमें रास्ते में ही मिल गए, अभी घर लेके जाएंगे मामा जी को, हमारा कितनी देर से वेट कर रहे हो? पौन घंटे का, पौन घंटे तक पीछे बैठ के एडजस्ट हो गए सारे। या देख मामा के बिल्कुल बैंक के सामने मेरा ट्यूशन। तो भाई मामा के घर पे आया था मैं, ये मेरे मामा का लड़का है रोहित, और ये मामा घर के पड़ोसी है, मिलने आए थे। हेलो, सब्सक्राइब कर देना रचित रोज, आप लोग शेयर कर देना जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। डेली व्लॉग देखते हो? डेली। हाँ। अभी तो कह रहा था ये कभी कभी देखता है, झूठा है ना बिल्कुल, इसको ये आपको मिलने के लिए मैंने बताया था ना क्या ये वो है ना। हाँ। मैंने बताया था क्या ना, आपने फनी वीडियो भी, कॉमेडी वीडियो भी बनाते हो ना आप? हाँ। आपने व्लॉग का अलग चैनल है, वीडियोस का अलग है। हाँ, आपने लास्ट वीडियो, सच्ची में झूठ नहीं बोलूं, मैंने लास्ट वीडियो वो देखी गाड़ी के ऊपर बनाई थी ना आपने, शॉर्ट्स में देखी थी और फिर शॉर्ट में जाके वीडियो देखी थी पूरी। चलो देख लेना, घर वाले देखने नहीं देते क्या? क्या मेरी मम्मी भी देखती है ये तो, मम्मी भी देख। चलो ठीक है, मेरी मम्मी कहती है कि आना, वो चीनू अच्छी लगती है मुझे तो। चीनू भी तो आई है, चीनू नीचे है। ये छुपियों को भाई नए दोस्त मिल गए दो, ये पलक है और ये पारस है, ये है रोहित के बच्चे दोनों। वैसे शादी करके बच्चे करके कैसा लगता है, कुछ अलग फील होता है? प्राउड फीलिंग आती है, है? मतलब कुछ अलग लगता है कि पहले मैं खुद बालक था मेरे बालक हो गए, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं देख। ये ले, पहले भाई वो दोनों आए थे, अब ये दोनों दोबारा आए हैं इसके साथ। हेलो, थैंक यू। इतने नर्वस क्यों हो रहे हो तुम लोग? नर्वस पहली पहली मार भी ले किसी यूट्यूबर से। अच्छा, तो गाइस अभी सिया मम्मी से राखी बंधवा दी है, वैसे बुआ तो मैं लगती हूँ, बांधनी तो मेरे को चाहिए। तो फिर मम्मी क्या लगी? तो दादी, मम्मी तो दादी, दादी लगी मम्मी तो इसकी। पता है क्या बोलते हैं? क्या ऐसे बोलते हैं, बड़ी मतलब बुआ ही बोलते हैं ये, कभी दादी नहीं बोलते। वैसे तो दादी दादी लगी ना, वैसे बोलते नहीं, वो कभी नहीं बोलते पापा। ऐसी तेरी दादी लगी मम्मी। तो भाई वहाँ से हम लोग निकल गए थे और अभी दूसरे मामा के घर पे आए हैं, तो अभी यहाँ पे राखी बांध के फिर उसके बाद जाएंगे घर पे। तो दोस्तों हम लोग वापस घर पहुँच गए हैं, तो दोनों मामा मामा के राखी बांध दी थी मम्मी ने, उसके बाद मतलब एक जगह थोड़ा व्लॉग बनाया तो इस जगह बना नहीं पाया, क्योंकि यार इतने टाइम बाद घर पे गए थे मामा के, तो व्लॉग वगैरह बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव, क्योंकि अब भाई रक्षाबंधन मना लिया, अब बैक टू वर्क, अब काम करना है, जाके मेन चैनल पे वीडियोज लानी है। तो कल के व्लॉग में आपको गुड़गांव मिलूंगा सीधा, तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप लोगों ने अपनी बहनों को क्या गिफ्ट किया रक्षाबंधन। एक को तो कर दिया, एक को पहले ही कर रखा है तो इसको भी कर दिया। हाँ बताया तो था व्लॉग में कि नहीं अनओकेशनली गिफ्ट दे रखे तेरे को, अगले महीने होएगा ये फोन, मतलब गिफ्ट देता रहता हूँ, तो कई बार अगर रक्षाबंधन स्कूटी दे दी, मेरे को नहीं देता गिफ्ट, इसलिए अब दिया है। एक बार में सारी कसर काट दी, घनी मत बोलिए। तो चलो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप पसंद आया होगा, तो भाई सब कर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलेंगे फिर कल 2:30 बजे नए व्लॉग के साथ, तो भाई व्लॉग चैनल को पूरा सपोर्ट करो। बाय गाइस, लव यू, बाय। इसमें तो ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, बाय।